Now in this video, we will discuss about the reproduction process in coleochaete. This alga reproduces by two methods. One is asexual and second is sexual. So here, now I am going to discuss the asexual reproduction process in coleochaete. Coleochaete mein asexual reproduction favorable conditions mein hota hai. यानी कि स्प्रिंग सीजन में और अर्ली समर सीजन में कोलियोकीट एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है और इस ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर होता है. थैलस की कोई भी वेजिटेटिव सेल, एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ द थैलस, कोई भी वेजिटेटिव सेल ज़ूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव कर सकती है और एक ज़ूस्पोरेंजियम से केवल एक ही ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है. ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन के समय ज़ूस्पोरेंजियम का कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट एक सिंगल ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है. सेल में प्रेजेंट एक पोर के माध्यम से यह ज़ूस्पोर बाहर आ जाता है. बाहर आने के बाद यह ज़ूस्पोर कुछ समय पानी में तैरता रहता है. हर एक ज़ूस्पोर ओवॉइड होता है, बाइफ्लैजेलेट होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और इसमें एक सिंगल पेराइटल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. यहां मैं क्लियर कर दूं कि यहां आई स्पॉट नहीं होता है. रिलीज होने के बाद यह बाइफ्लैजेलेट ओवॉइड ज़ूस्पोर कुछ समय तक पानी में तैरता रहता है. कुछ समय तैरने के बाद यह अपने फ्लैजेला छोड़ देता है और किसी जगह पर जाकर सेटल हो जाता है और अपने चारों तरफ एक वॉल का सेक्रीशन कर देता है. इस स्पोर में जर्मिनेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो इसमें फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स भी हो सकता है और फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल भी हो सकता है. यह डिपेंड करता है कि स्पीशीज कौन सी है. जो डिस्कॉइड थैलस वाली स्पीशीज है जैसे कोलियोकीट स्कूटेटा, यहां पर पहला डिवीजन हमेशा ट्रांसवर्स होता है और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. अपर सेल से सीटा का फॉर्मेशन होता है जबकि लोअर सेल से इम्ब्रियोनल डिस्क बनती है और ये इम्ब्रियोनल डिस्क कॉन्टिन्यूस डिवाइड करने के बाद डिस्कॉइड थैलस का फॉर्मेशन करती है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डिस्कॉइड थैलस होते हैं इनमें इरेक्ट सिस्टम नहीं होता है, इनमें केवल प्रोस्ट्रेट सिस्टम से ही डिस्क लाइक थैलस का फॉर्मेशन. वहीं अगर मैं बात करूं कोलियोकीट पल्वाइनेटा की, जो एक हेटरोट्राइकस स्पीशीज है, यहां पर ज़ूस्पोर में या रेस्टिंग ये डीफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स ना होकर वर्टिकल होता है और जो दो डॉटर सेल बनती हैं ये लगातार डिवाइड करके प्रोस्ट्रेट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोलियोकीट पल्वाइनेटा यानी हेटरोट्राइकस हैबिट वाली स्पीशीज में दो सिस्टम होते हैं, एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम और एक इरेक्ट सिस्टम. तो जब ये ज़ूस्पोर से जर्मिनेशन होगा तो जो दो वर्टिकल सेल्स बनेंगी वो इरेक्ट सिस्टम नहीं बनाएंगी. वर्टिकल डिवीजन के बाद बनी दोनों डॉटर सेल्स से केवल प्रोस्ट्रेट सिस्टम बनेगा और इस प्रोस्ट्रेट सिस्टम से इरेक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा. एक साइंटिस्ट हुए वेज़ले, उन्होंने ये स्टडी किया कि कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस में ज़ूस्पोरेंजियम से ज़ूस्पोर बनने के स्थान पर एक थिक वॉल्ड स्पोर डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये एप्लेनोस्पोर जर्मिनेशन के बाद नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है. सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन कोलियोकीट.